मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी सेंटा चाहिए। आप मुझे भी। चुप करो तुम दोनों के दोनों। कहीं सेंटा पेड़ पर लटके है जो तोड़ कर लाऊं और तुम्हें दे दूं? मम्मी वो पेड़ पर नहीं लटक सकते, अगर लटकेंगे तो पेड़ ही टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मोटे होते हैं ना। दोनों के गाल पर थप्पड़ लगेगा जोर से। ओए माँ, ऐसे बोलते हैं क्या? तो फिर कैसे बोलते हैं? कैसे भी नहीं बोलते। और मैं जा रही हूँ अंदर, कोई सेंटा वेंटा नहीं आएगा। यार ये तो चुप ही नहीं हो रहे हैं, बस सेंटा सेंटा बोल के चिल्लाए जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? आप कुछ मत करो, अब जो करेगा सेंटा करेगा। मतलब है? कॉल काट दी बिना कुछ बताए? कॉल काट दी? अब कौन आ गया? रिद्दू जाके गेट खोल, देख कौन आया है। खोल रहा हूँ यार। अरे क्या हुआ, कौन है गेट पर? अरे तुम, कौन है जो इतना चिल्ला रहे हो? अरे वाह सैंटा क्लॉज। लो सैंटा मेरा गिफ्ट तो, अब मेरा भी। अरे तुम दोनों को तो जरा सा भी सबर नहीं है। सैंटा इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेने दो, उसके बाद ले लेना अपना गिफ्ट। हाँ ठीक है, आ जाओ सैंटा जी, आप अंदर आ जाओ। भाई मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सैंटा को इंप्रेस करके ज्यादा गिफ्ट ले लेंगे। मैं भी यही सोच रहा था। क्या फुसर फुसर चल रही तुम दोनों की? कुछ भी नहीं, आप आओ सैंटा जी अंदर आओ। तो सैंटा जी आप क्या लोगे, चाय पानी कॉफी या फिर सीधा नाश्ता? बड़ी खातिरदारी की जा रही है सैंटा की, क्या बात है? वो मम्मी सैंटा जी साल में एक बार आते हैं इसलिए। ओ अच्छा, या फिर सैंटा को इम्प्रेस करके ज्यादा गिफ्ट लेने का इरादा है। आपको किसने कहा? अबे चुप कर। नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है ऐसा ही है। अच्छा तुम बताओ चेरी। चेरी? अरे मम्मी मामा थोड़ी ना, ये तो सैंटा है। ओ हाँ गलती से बोल दिया मैंने। सैंटा बताओ क्या लोगे तुम? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। सैंटा कुछ तो खाया करो, आप देखो कितने पतले हो रहे हो। हाँ वैसे भी सैंटा मोटे होते हैं। हाँ सैंटा जी जब आप वो अपना थैला टांगते हो ना बिल्कुल ही बेकार दिखते हैं। हाँ भाई क्योंकि सैंटा मोटे ताजे होते हैं ना। चुप करो तुम दोनों, शैतान तो बहुत हो रहे हो तुम दोनों। हम शैतान ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप। ओए माँ। अब बोलेगा फालतू? नहीं सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मत मारो बच्चों को। अच्छा बच्चों बताओ अपनी अपनी एक एक विश बताओ मुझे। मुझे चाहिए रिमोट कंट्रोल कार। ये लो बेटा तुम्हारी कार। रिद्धू तुम भी बताओ अपनी विश। मेरी विश है कि आप 24 घंटे मेरी बात मानो। ठीक है तुम्हारी विश भी कंप्लीट की जाएगी, अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छा ठीक है, मेरा एक पेट से खेलने का मन है तो छोटा सा मेरे लिए पप्पी ला दो। अभी लाता हूँ। अरे रिद्धू तूने ये क्या मांग लिया, अब वो पेट कहाँ से लेकर आएंगे? मुझे क्या पता, मेरा तो मांगने का काम है सिर्फ। ये लो बेटा ये रहा तुम्हारा पेट, अब खेलो इसके साथ। अरे वाह सैंटा आपकी तो सर्विस बहुत फास्ट है। हाँ बेटा खेल लो अब इसके साथ। गट्टू चल इसके साथ अंदर खेलेंगे। अगर इसने पॉटी करी ना तो तुझसे ही साफ करवाऊंगी। सैंटा किस काम आएंगे, आप मुझसे क्या होगी, मैं इनसे साफ करवा लूंगा। लो कर लो बात, सैंटा जी को तो तूने पर्सनल नौकरी बना लिया है। चलो मम्मी अब चलता हूँ, मेरे को खेलना भी तो है क्यूट पप्पी के साथ। आजा आजा। क्या मांगी? बस एक कार, मैंने तो पूरा सेंटा ही मांग लिया। हाँ क्योंकि तू लालची है ना। चुप रह, मैं लालची नहीं होशियार हूँ। चल वे कार की और तेरे पापा की रेस लगवाते हैं। और तो लगा दो रेस, 1 2 3।
अभी तो बेकार है लड्डू। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है कहीं ये खराब तो नहीं हो गया। अरे सांता शायद लोकल लेके आए होंगे इसलिए जल्दी खराब हो गया। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, चल चलते सांता के पास। सांता! लो आ गई आफत। अब क्या हुआ? मम्मी देखना, सांता जो पप्पी लेके आया है वो लोकल है, काम ही नहीं कर रहा। क्या काम नहीं कर रहा? अरे तुमने उसका गला वगैरह दबा के मार तो नहीं दिया? मारा नहीं, वो भाग ही नहीं रहा। वो देखो वो रहा। मुझे तो लगा था इन्होंने मार ही डाला उसे। और इसके साथ साथ जिसका पप्पी है वो मेरा खेल खत्म कर देता। नालायको, पप्पी कभी लोकल नहीं होते, खराब होते हैं। तो ये भाग क्यों नहीं रहा? मैंने इसे बोला कि गाड़ी के साथ भागियो, ये भागा ही नहीं। आप इसे वापस ले जाओ। हाँ लाओ, अभी वापस करके आता हूँ। रिद्धू, वो एक जीव है, खिलौना नहीं है वो। मम्मी वो जीव नहीं है, वो पप्पी है। नहीं था, अब तो सांता उसको वापस ले गया। बच गया, इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था जब इसने बोला कि ये पप्पी खराब है। मुझे लगा इसने मार डाला। चलो अब मुझे भी रिमोट कंट्रोल कर दे दो, मैं इस गट्टू से रेस लगाऊंगा। हाँ अभी देता हूँ। सही फायदा उठा रहे हो वैसे तुम सांता का। ये ले बेटा तेरी कार। चल अब तो तेरी भी कार आ गई, आगे रेस लगाते हैं। हाँ चल आजा, आज तो तुझे हरा ही दूंगा। और तुम्हें क्या जरूरत थी उनकी सारी विश पूरी करने की? अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, और बच्चे अगर मेरी वजह से खुश हो रहे हैं तो इससे खुशी की बात क्या है। आजा लगाते हैं रेस, तैयार हो जा हारने के लिए। 1 2 3 देख हार गया लूजर कहीं के। मैं लूजर नहीं हूँ, तू लूजर है। आजा अब बताता हूँ तेरे को। अब क्या हुआ? इस बच्चे ने तो मेरी जान खा रखी है। आप इस गट्टू को गायब कर दो। तू ये सब क्या बोले जा रहे हैं रिद्धू? मैं सही कह रहा हूँ सांता, गायब कर दो इसको। ठीक है जैसा तुम कहो, पर एक बात याद रखना, अगर वो एक बार गायब हो गया ना तो दोबारा नहीं आएगा। माँ नहीं थी, ये कर दो गायब, मुझे लूजर बोल रहा था ना। रिद्धू ये तो ठीक नहीं कर रहा है। रिद्धू तू आंखें बंद कर, मैं उसे गायब कर रहा हूँ। लो कर लिया आंखें बंद। खोल लो आंख, हो गया वो गायब। अच्छा करा, मेरे को लूजर बोल रहा था ना। रिद्धू बेटा तूने ये सब ठीक नहीं करा। वो मुझे नहीं पता, मैं तो चला सोने, पूरा बेड मेरा, सारे खिलौने मेरे। इसका लालच इसके ऊपर भारी पड़ सकता है। पड़ नहीं सकता, पड़ रहा है। मम्मी गट्टू नहीं दिख रहा, कहाँ है? तूने ही तो उसे गायब करवाया था। हाँ और अब वो वापस भी नहीं आएगा। अच्छा है। प्लीज गट्टू को वापस ला दो ना। नहीं मैंने पहले ही बोला था ना, मैंने जिसको एक बार गायब कर दिया मैं दोबारा नहीं लेके आता। अब तो वो वापस नहीं आएगा। मम्मी सांता को प्लीज बोले ना कि गट्टू को वापस ला दे। बेटा अब मैं क्या ही बोलूं, जब तुझे कहा था तूने सुना ही नहीं। मॉम प्लीज मुझे मेरा भाई वापस चला दो। अरे भाई तू रो क्यों रहा है? ये तो गट्टू की आवाज है। अरे गट्टू,
था ना, मामा ने मुझे छुपा दिया था। कौन से मामा ने? चेरी मामा ने। चेरी मामा? हाँ मैंने। अरे आप सेंटा नहीं हो? नहीं, ये मामा आए तो तुम्हें खुश करने के लिए थे, लेकिन इन्होंने तुम्हें सबक सिखा दिया है कि लालच बुरी बला है। हाँ मम्मी सॉरी। लेकिन बेटा तुमने तो मेरी हालत ही खराब कर दी, पूरा अपना नौकरी बना लिया था। अरे यार मैं तो सोच रहा था कि आप असली के सेंटा हो, लेकिन आप तो नकली के निकले। कोई बात नहीं, असली सेंटा भी आ जाएगा कभी तो। ठीक है, फिर उनसे आपको गायब करवा दूंगा। अरे वो अभी भी नहीं सुधरा, रुक जा तुझे मैं अभी बताती हूँ। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हमारा चैनल जरूर